हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट जोन में। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी जॉब वैकेंसी की अपडेट जो कि आया है KSP यानी कि कर्नाटक स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये जो पोस्ट होगा आपके सिविल कांस्टेबल के लिए रिक्रूटमेंट होगा। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल आप देख सकते हैं टोटल 4000 की वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है और लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन फी, सारे डिटेल्स एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी नई जॉब की वैकेंसी के बारे में अपडेट्स लाए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं इसका जो पहला है इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 23 अप्रैल 2021 से। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा ये रहेगा 31 मई 2021। तो चलिए देखते हैं इनके जो टोटल 4000 वैकेंसी है वो पूरा डिवाइड है डिवीज़न के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कौन सी डिवीज़न में कितना सारा वैकेंसी है। तो देखिए, पहला जो आता है डिवीज़न, देन नंबर ऑफ वैकेंसी। तो पहला है बेंगलोर, जो कि नगारा, इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 1500 वैकेंसी है। देन मैसूर नगारा में 180, देन हुबली धारवाड़ में 200, देन मंगलोर में 155, देन बेलगावी में 150, देन बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में 135, देन तुमकुर में 126, देन चिकबालपुर में 110, देन रामानगर में 130, देन मैसूर डिस्ट्रिक्ट में 115, देन चमराजनगर में 65, हासन में 105, कोडागू में 55, मांड्या में 145, शिमोगा में 180, चित्रदुर्गा में 70, दक्षिण कनाडा मैंगलोर में 75, उडुपी में 90, उत्तरा कनाडा में 130, देन चिक्का मंगलोर में 57, देन बेलगावी में 78, गाडाग में 79, एंड लास्ट रेलवे बेंगलोर में 70। तो ये था सारे पोस्ट का डिवीज़न के हिसाब से। तो आप जो भी डिवीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। देन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या देखते हैं, पहला जो है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, ये जो कांस्टेबल की पोस्ट है तो इनके लिए आपके पास सिर्फ 10th या 12th पास किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन इसका जो एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 25 तक रखा गया है। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर आपके पास फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए मिलता है। देन इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, या आपका पास रिटर्न देन इंटरव्यू, यानी कि पहला आपका रिटर्न टेस्ट होगा। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। देन जो कि रखा इनका एप्लीकेशन फी रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए 250 और SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। देन अगर आप 10th पास हो या फिर 12th पास हो और आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इनके जो डायरेक्ट आप अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है उसको भी मैं डाल लूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लेना।
तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक नए जॉब वैकेंसी के अपडेट के साथ।